मैं आप सभी दर्शकों का अपने चैनल होल्ड इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोग क्लास 9th की एक वीडियो देखने जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ अपनी वीडियो शुरू करते हैं। यह कहानी पतझड़ यानी ऑटम के सीजन की है। हवा बहुत जोर की चल रही है और काफी तेज बारिश हो रही है। वहां पर आईवी नाम की एक बेल लगी हुई है जिसके सारे पत्ते झड़ गए हैं। उस बेल पर सिर्फ एक ही पत्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे पत्ते गिर जाने के बाद भी वह पत्ता नहीं गिर रहा है? तो चलिए जानने के लिए कहानी शुरू करते हैं। सू और जॉन्सी दो युवा कलाकार यानी यंग आर्टिस्ट हैं जो एक ही फ्लैट में एक साथ शेयर करके रहती हैं। उनका फ्लैट मकान की तीसरी मंजिल यानी थर्ड फ्लोर पर है। नवंबर मंथ में जॉन्सी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है। उसे निमोनिया हो गया है। वह अपने बिस्तर में बिना हिले डुले खिड़की से बाहर लगातार देखती रहती है। सू जो उसकी फ्रेंड है बहुत परेशान हो गई। उसने डॉक्टर को बुलाया। हालांकि डॉक्टर डेली आता था पर उसने देखा कि जॉन्सी की हालत में किसी भी तरह का कोई सुधार या चेंजिंग नहीं थी। एक दिन डॉक्टर सू को एक तरफ साइड में ले गया और उससे पूछा, क्या जॉन्सी को किसी बात को लेकर कोई चिंता लगी हुई है? सू ने कहा, नहीं तो, पर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? डॉक्टर ने कहा, लगता है जॉन्सी ने अपना मन बना लिया है कि अब उसे अच्छा नहीं होना है। अगर वह जीना नहीं चाहेगी तो कोई भी दवा उसकी मदद नहीं करेगी। सू ने अपनी पूरी कोशिश की कि जॉन्सी अपने आसपास की चीजों में इंटरेस्ट ले। उसने फैशन और कपड़ों की बातें की, लेकिन जॉन्सी ने उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। वह अपने बेड पर चुपचाप लेटी रही। सू अपना ड्राइंग बोर्ड जॉन्सी के कमरे में ले आई और पेंट करना स्टार्ट कर दिया। जॉन्सी का ध्यान उसकी बीमारी से हटाने के लिए वह काम करते हुए सीटी बजाने लगी। अचानक सू ने जॉन्सी को कुछ फुसफुसाते सुना। वह एकदम उसके बिस्तर की ओर भागी और जॉन्सी को उल्टी गिनती गिनते सुना। वह खिड़की के बाहर देख रही थी और कह रही थी, 12। कुछ समय बाद वह फुसफुसाई, 11, 10, 9, 8, 7। ये देखकर सू डर गई। उसने एक्साइटेड होते हुए और डरते हुए खिड़की के बाहर देखा। उसने देखा कि एक पुरानी आईवी की बेल खिड़की के सामने वाली ईंट की आधी दीवार तक छड़ी हुई थी। बाहर चलती हुई तेज हवा में बेल के पत्ते झड़ रहे थे। सू ने पूछा, ये क्या है? ये तुम क्या कर रही हो जॉन्सी? जॉन्सी फुसफुसाई, 6। अब वे पत्ते बहुत स्पीड से झड़ रहे हैं। 3 दिन पहले इस पर लगभग 100 पत्ते थे, अब केवल 5 बचे हैं। सू ने कहा, ये पतझड़ का मौसम है, पत्ते तो झड़ेंगे ही, इसमें कौन सी नई बात है? जॉन्सी ने कहा, जब आखिरी पत्ता झड़ जाएगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। मैं पिछले 3 दिन से इस बात को जानती हूँ। सू ने कहा, ओह, ये एकदम बकवास है। तुम्हारे ठीक होने से भला इन पुरानी आईवी की बेल के पत्तों का क्या लेना देना? डॉक्टर को पूरा भरोसा है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी ने कुछ नहीं कहा। सू गई और उसके लिए एक सूप का कटोरा ले आई। जॉन्सी ने कहा, मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। अब इस बेल पर केवल 4 ही पत्तियां बची हैं। मैं अंधेरा होने से पहले आखिरी पत्ते का झड़ना देखना चाहती हूँ, फिर उसके बाद में भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी। सू जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। उसने उसे चूमा और कहा, तुम मरने नहीं जा रही। मैं पर्दा नहीं खींच सकती क्योंकि मुझे लाइट की जरूरत है। मैं पेंटिंग को कंप्लीट करके अपने लिए कुछ पैसा कमाना चाहती हूँ। प्लीज माई डियर फ्रेंड, मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं पेंट कर रही हूँ तब तक तुम खिड़की के बाहर नहीं देखोगी। जॉन्सी ने कहा, ठीक है, तुम अपनी पेंटिंग को जल्दी खत्म करो, मैं लास्ट पत्ते को गिरता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं वेट करके थक गई हूँ, मुझे मरना है, इसलिए मुझे बिल्कुल उसी तरह शांतिपूर्वक जाने दो जैसे वे बेचारे थके पत्ते जा रहे हैं। सू ने कहा, तुम एक काम करो, तुम सोने की कोशिश करो। मुझे एक बूढ़े खान में काम करने वाले यानी ओल्ड माइनर की पेंटिंग बनानी है और इस काम के लिए मैं बहरमन जो नीचे रहता है उसको अपना मॉडल बनने के लिए बुलाने जा रही हूँ। सू नीचे भागी। बहरमन ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। वह 60 ईयर्स का एक बूढ़ा आदमी था और एक पेंटर था। उसकी जिंदगी का मेन टारगेट था एक बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाना, पर यह केवल उसका सपना ही बनकर रह गया। सू ने अपनी सारी परेशानियां बहरमन को बता दी। उसने उसे बताया कि कैसे जॉन्सी को इस बात पर पक्का विश्वास है कि वह आखिरी पत्ते के झड़ते ही मर जाएगी।
ये सुनकर बहरमन ने पूछा, क्या वह मूर्ख है? वह इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? सू ने शिकायत करते हुए कहा, उसको बहुत तेज बुखार है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है, इससे उसे बहुत चिंता हो रही है। बहरमन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ। वे लोग चुपचाप कमरे में आए। जॉन्सी सो रही थी। सू ने पर्दा खींचा और फिर वे दोनों लोग दूसरे कमरे में चले गए। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा कि बेल पर अब केवल एक पत्ता बचा था। बहुत तेज बारिश हो रही थी और बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब पत्ता किसी भी टाइम गिर जाएगा। बहरमन ने एक शब्द भी नहीं कहा। वह अपने कमरे में वापस चला गया। जॉन्सी अगली सुबह जागी। बड़ी कमजोर आवाज में उसने सू को पर्दा हटाने को कहा। यह सुनकर सू घबरा गई। उसकी पर्दा हटाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, फिर भी बेमन से उसने पर्दा हटाया। सू बेल को देखकर हैरान होकर बोली, देखो बेल पर अभी भी एक पत्ता है, ये हरा और बिल्कुल हेल्थी लग रहा है। इतनी आंधी और तेज हवाओं के बावजूद भी वह गिरा नहीं है। जॉन्सी ने कहा, मैंने पिछली रात हवा चलने की आवाज को सुना था। मैंने सोचा कि यह गिर गया होगा। मुझे लगता है कि आज यह झड़ जाएगा और तब मैं मर जाऊंगी। सू ने एनर्जी से भरी हुई आवाज में चहकते हुए कहा, तुम नहीं मरोगी, तुम्हें अपने दोस्तों के लिए जिंदा रहना होगा। अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा? जॉन्सी कमजोरी में मुस्कुराई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लगभग हर घंटे बाद वह खिड़की से बाहर देखती और उसने देखा कि पत्ता अब भी वहीं है। ऐसा लग रहा था कि वह बेल से चिपका पड़ा है। शाम को फिर से आंधी आई लेकिन पत्ता नहीं गिरा। जॉन्सी बहुत देर तक पत्ते को देखती रही। तब उसने कुछ सोचा, फिर सू को बुलाया और कहा, मैं एक बहुत ही खराब लड़की हूँ। तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की और इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मैं बहुत निराश और उदास हो गई थी। आखिरी पत्ते ने मुझे बता दिया है कि मैं कितनी शैतान हूँ। मुझे यह एहसास हो गया है कि मरने की बात सोचना या चाहना पाप है। सू ने जॉन्सी को गले लगाया, फिर उसे बहुत सा गर्म सूप दिया और एक शीशा भी दिया। जॉन्सी ने बालों में कंघी की ओर खुशी से मुस्कुराई। दोपहर के बाद डॉक्टर आया। अपने मरीज की जांच करके उसने सू से कहा, जॉन्सी में अब जीने की इच्छा है। मुझे पूरा विश्वास है वह जल्दी ठीक हो जाएगी। अब मुझे नीचे जाना है बहरमन को देखने। उसे भी निमोनिया हो गया है, पर मुझे डर है उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अगली सुबह सू आई और जॉन्सी के बिस्तर पर बैठ गई। जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसने कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बहरमन की आज सुबह डेथ हो गई। वह दो दिन से बीमार था। पहले दिन बिल्डिंग का रखरखाव करने वाले लोगों ने उसे बिस्तर पर पड़ा हुआ देखा था। उसके कपड़े और जूते गीले थे और वह कांप रहा था। वह उस तूफानी रात में बाहर था। फिर उन्हें वहां एक सीढ़ी पड़ी हुई मिली और एक लालटेन भी मिली जो अभी भी उसके बिस्तर के पास जल रही थी। कुछ ब्रश और ग्रीन और येलो कलर के पेंट फर्श पर सीढ़ी के पास पड़े थे। सू ने कहा, जॉन्सी, खिड़की के बाहर उस आईवी के पत्ते को देखो। क्या तुम्हें इस बार पर कोई हैरानी नहीं हुई कि इतनी तेज हवा चलने के बाद भी वह पत्ता फड़फड़ा क्यों नहीं रहा? एक्चुअली वह बहरमन के द्वारा बनाई गई उसकी अब तक की सबसे बढ़िया पेंटिंग है। वह कोई असली पत्ता नहीं है। उसने उसे उस रात को पेंट किया था जब बेल पर लगा हुआ आखिरी पत्ता भी झड़ गया था। इस पेंटिंग को बनाने के लिए उसे उस तूफानी रात में बाहर खड़े होकर काम करना पड़ा था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई थी और उसे निमोनिया हो गया। उसने इतनी बारिश भरी ठंडी रात में इतनी मेहनत सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए ही की थी। उसने तुम्हें तो बचा लिया, लेकिन वह खुद नहीं बच सका। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।